इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। यदि हम राम कथा के अपने पिछले मोड में चले जाएंगे तो जिस दिन पूर्णाहुति करेंगे ना, उस दिन हम आजकल बंद कर दिए, हमने लोगों को रुलाना बंद कर दिया। कहे अरे हमारे पहले लोग बहुत रो चुके हैं तो हमने बंद कर दिया कथा। रोने का कोई कार्यक्रम ही नहीं, प्रसन्न रहो, गदगद रहो, हंसते रहो, कथा सुनो, भक्ति करो। रोने का काम क्या है? रोना यार, क्यों रोना? प्रसन्न रहो, भगवत भक्ति प्रसन्नता के लिए है, आनंद के लिए। क्यों? देखो, जिसको जीवन में मिला सत्संग है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद। जिसको जीवन में मिला हर घड़ी हरि से जुड़ा संबंध है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद। जिसका हरि से जुड़ा संबंध है उसे हर घड़ी आनंद ही सच्चाई में ढल गया उसके पापों का पर्वत पिघल गया। जीवन सच्चाई में ढल गया उसके पापों का पर्वत पिघल गया। उसके पापों का पर्वत पिघल गया किया। बाबा पर नगर चलना है, कुछ थोड़ा जो सामान अपने पास है उसी से कुछ श्रृंगार कर ले, सहज श्रृंगार। बाबा बोले हो करो, कर लो भाई, कर लो। शिव ही संभोगन कर ही
आइए गोस्वामी जी के दिव्य पंक्तियों से हम आप भी थोड़ा बाबा का श्रृंगार करें। आधा आधा काट करके सुना। शिवहि शंभु गण करहि श्रृंगारा, मुकुट जैसा हमने आपने गाया वैसा गणों ने बाबा को सजाया। ये सहजावस्था है बाबा की, सहज श्रृंगार हो ना तो सौंदर्य दिखता है। सहज श्रृंगार हो बाबा का, सहज श्रृंगार ये सहजावस्था है। नंदी पर आरूढ़ होकर बाबा चले, एक हाथ में त्रिशूल दूसरे में डमरू, देवलोक ने बाजा बजाया। चले बस चढ़ी बाजे बाजा।
बाजा बजा, देवांगनाएं मुस्कुराई और कहते हैं इस दूल्हे को दुल्हन कौन मिलेगी। अरे साहब पहले तो निश्चित है कौन मिलेगी, भगवान विष्णु ने कहा देवताओं को दूल्हा महाराज और बाराती समाज ये एक बड़ा विपरीत ध्रुव में चल रहा है। दूल्हा महाराज जैसे हैं बाराती वैसे नहीं है, देखना है। ये व्यक्ति अपना समाज स्वयं बना लेता है, हम जैसे होते हैं वैसा हमारा समाज होता है। देवताओं ने कहा दूल्हा को अलग कर देते हैं, बाबा प्रभु बोले कुछ न करो, अपना अपना समाज लेके आगे चलो, दूल्हा महाराज का समाज स्वयं उपस्थित हो। आप इसको अन्यथा विचार न करिएगा। देखिए अच्छे अच्छे लोग अपना समाज तो अच्छा अच्छा बना ही लेते हैं, लेकिन बाबा भोलेनाथ का क्या अद्भुत स्वभाव है। बाबा कहते हैं तुम लोग छांट लो, बचेगा उसमें से हम छांटते रहेंगे। तुम लोग अपना छांट लो, हम बाद में जो बचेंगे उसी में से छांट के अपने व्यवहार का बना लेंगे। ये अद्भुत भाव। भगवान शिव विष्णु भगवान की बात सुनकर मुस्कुराए, स्मित विनोद, हास्यपूर्ण विनोद, परिहासपूर्ण नहीं। श्रेष्ठ का विनोद भी हास्यपूर्ण होता है, परिहासपूर्ण नहीं होता। वाह अद्भुत अलौकिक अप्रतिम। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।